बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, एक पाव मैंने अरबियाँ ले ली, उसको अच्छी तरह से धो साफ करके खुशक कर लिया था। उसी में से मैंने ये अरबियाँ निकाली थी, एक पाव जो मैंने सालन बनाया मसाले वाला, उसके अंदर से ये निकाल कर जूलियन कटिंग में कटिंग कर लेंगे इसकी सारी। बिल्कुल भी पानी ना लगाएंगे। अजवाइन वाली अरबियाँ ये भी बहुत टेस्टी और मज़े की बनती हैं। सबसे पहले मैंने एक पाव तकरीबन अरबियाँ ले ली थी, उसको मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ़ सुथरा करके छिलका वगैरह उतार के जूलियन कटिंग में इस तरह से काट लिया। आप कटिंग बोर्ड पे रख के या ऐसे हाथ से भी काट सकते हैं, इस तरह से कर लेंगे। और सबसे पहले मैं एक प्याज नॉर्मल साइज़ की, वो मैंने रफली ऐसे काट ली, वो मैं इसमें डाल दूँगी। इसको पिंक नहीं करेंगे, सिर्फ हल्का सा सोते करेंगे, ट्रांसपेरेंट हो जाए तो फिर हम इसमें, ये देखें थोड़ा सा लहसुन जो मैंने डालना था इसमें वो, और इसमें है ये देखें, इसमें डल गया है, कोई बात नहीं, बस ये ट्रांसपेरेंट हो जाए तो हमें इसमें फिर इसमें हाफ टी स्पून ज़ीरा वो मैं इसमें डाल दूँगी। एक मिनट इसको भी पका लूँगी अच्छी तरह से। बहुत ही आसान रेसिपी है ये, बच्चा भी बना सकता है। फिर इसमें मैं अपनी ये जूलियन कटिंग अरबियाँ ये इसके अंदर डाल दूँगी। एक पाव थी ये, बहुत ही टेस्टी और मज़े की लगती है। इस वक्त मेरे पास इतनी ही थी तो मैं इतनी का बना रही हूँ। साथ ही इसमें मैंने एक टमाटर छोटा, हरी मिर्चें 3 अदर, थोड़ा सा लहसुन जो कि मैं पहले ही इसमें डाल चुकी हूँ, डल गया था गलती से, और साथ ही नमक और मिर्चें अपने अंदाजे से जितना आप पसंद करें उतनी डाल दें, इसमें हल्दी नहीं चाहिए ना धनिया। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और हल्का सा पानी का छींटा लगाकर, हल्का सा पानी का छींटा लगाकर दम वाली आँच पर इसको गलने की हद तक पका लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छी तरह से भून देंगे, फिर इसमें पानी डालेंगे। इसमें हाफ प्याली मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी और एक बॉइल आ जाने पर कवर कर दूँगी इसको और दम वाली आँच पर पका लूँगी। ये देखें तकरीबन ये गलने के करीब है, तो अब हम इस स्टेज पर इसके अंदर हाफ टी स्पून लेवल भर के नहीं अजवाइन डाल देंगे। अच्छी तरह से हमने इसको साफ़ कर ली थी। जैसा कि ये अजवाइन वाली तरबियाँ हैं तो बहुत ही टेस्टी और मज़े की बनती हैं, थोड़ा सा हिला लेंगे और इसको दोबारा से कवर कर दूँगी। जब ये अच्छी तरह से गल जाएगी चलें जी चेक कर लेते हैं। देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त अजवाइन की खुशबू आ रही है। ये देखें एक पाव अरबियों से, ये देखें हमारी प्लेट भर कर तैयार हो गई है, ये अच्छी तरह से गल गई है। ये देखें अब लास्ट में इसमें हाफ लेमन का रस डाल देंगे इसके अंदर। और इसको कवर कर दूंगी, कवर करके इसको फिर हम 2 मिनट के लिए ऐसे ही फ्लेम बंद कर देंगे और फिर इसको सर्व करेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये देखिए आज की हमारी रेसिपी जो कि बहुत ही टेस्टी और मज़े की बनी है और बिल्कुल ही डिफरेंट है, आपको यकीनन पसंद आएगी। इसको आप सादा रोटी पराठे के साथ खा सकते हैं और बहुत ही अच्छी लगती है। इस तरीके से आप एक बार ज़रूर बनाएँ, यकीनन आपको पसंद आएगी। चलें जी मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।